चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश यही रही छत्तीसगढ़ में 4.5 सालों में कि उन सब चीजों को फिर से वापस लाया जाए। तो 5 साल जो हम लोग काम किए, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, तो अंतर क्या आया? अंतर यह आया कि 5 साल पहले 12 लाख किसान ही सोसाइटियों में धान बेचने के रजिस्टर करते थे। आज वो किसानों की संख्या 26 लाख हो गई। इसका मतलब यह है कि जो गांव में खेती किसानी जमीन तो थी लेकिन छोड़ दिए थे, आज 12 लाख की जगह 14 लाख लोग, मतलब 12 प्लस 14 गांव में लौटा हुआ 26 लाख किसान आज धान बेच रहे हैं। धान का उत्पादन पहले जो 55 लाख मीट्रिक टन होता था, आज इस साल 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जो जमीन में खेती होती थी, जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, वो 22 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, क्योंकि कृषि अब लाभ छत्तीसगढ़ में कम से कम लाभ का धंधा है। शहर से गांव की तरफ लौटे, उसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जहां प्राइवेट सेक्टर में जब दूसरी लहर आई तो हॉस्पिटल बंद हो गए थे, उस समय सरकारी जो अस्पताल है, हार्ट बाजार क्लिनिक योजना है, मेडिकल मोबाइल यूनिट योजना है, इन्होंने जो सेवाएं दी, और इस कारण से शासकीय जो संस्था है तो विश्वास बढ़ा है। और आज लाखों नहीं करोड़ों लोग आज उसका लाभ उठा पा रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में या छत्तीसगढ़ में हम पूर्ववर्ती सरकार में स्थिति ये थी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उसकी संख्या अधिक थी, और लगातार जो शासकीय स्कूल में उसमें दाखिला कम हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा था। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किया, हमने स्कूलों के संधारण का काम हाथ में लिया, और सबसे बड़े बजट इस साल हमने दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि स्कूलों में एक सीट के विरुद्ध में 10 और 15 एप्लीकेशन हमारे स्कूलों में आए, और पहली बार ये हुआ है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला हमारा बढ़ा है, दर संख्या बढ़ी है, ये परिवर्तन आया है। तो एक वातावरण बनाने की आवश्यकता। उसी प्रकार से व्यापार व्यवसाय में हमारी जो उद्योग नीति है, हमको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी जो व्यवसाय के लिए जो नीति बनी, उसके कारण से परिवर्तन यह आया कि हजारों करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ, हजारों लोग यहां को रोजगार मिले। तो परिवर्तन सवाल इस बात का है कि हम वातावरण किस प्रकार से दे रहे हैं। तो हर वर्ग हर क्षेत्र में हमको वातावरण देने के, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में, रवि वालोनी ने जो बात कही कि होलसेल कॉरिडोर 1,000 एकड़ का पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, देश में सबसे बड़ा है, और मैं समझता हूँ एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहीं बन रहा है तो छत्तीसगढ़ में हमारा बन रहा है। तो व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक वातावरण हम दें, और जब व्यापार जब 1,000 एकड़ में जब होलसेल कॉरिडोर हमारा खुलेगा तो निश्चित रूप से चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत तो और पड़ेगी। और जब पड़ेगी तो जो आपने मांग की, रवि गौलानी ने मांग की, उसके बाद गर्ग साहब और रंजीत साहब और पूर्व वक्ताओं ने सब ने एक स्वर से कहा कि हमको जमीन चाहिए। अरे पूरी जमीन छत्तीसगढ़ की आपकी है, क्या चिंता करते हो आप? 5 एकड़ मांग रहे हैं, निश्चित रूप से मिलेगा आपको। देखिए किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जो ताकत वो क्या है, वो लोगों के चेहरे में मुस्कान। वो सबसे बड़ी संपत्ति यदि मेरी है तो यही है, चाहे बच्चे हों, छात्र हों, किसान हों, आदिवासी हों, अनुसूचित जाति हों, महिलाएं हों, बड़े बुजुर्ग हों, युवा हो, आपके चेहरे में मुस्कान होना चाहिए।
आप सबके मन में एक सपना है, उस सपने को उड़ान देने के, उसके लिए आकाश तैयार करने, उसके लिए वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और वो काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। और जैसा कि रवि ने कहा कि हम शिलान्यास इस साल करें, इस कार्यकाल में करें, और लोकार्पण अगले कार्यकाल में करें, निश्चित रूप से ये आपके मुखारविंद से जो निकला है और जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके शब्दों को मिला है, आपके विचारों को मिला, आपके मांग को मिला है, मैं समझता हूँ कि इसको मैं कहूँगा तथास्तु, होना चाहिए। यदि वर्ल्ड क्लास यदि इंस्टीट्यूट अपना छत्तीसगढ़ में देने के लिए आए हैं, हमको तो केवल जमीन ही देना है, तैयार तो आपको करना है, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, इंस्टीट्यूट आप चलाएंगे, और हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, आखिर ये संपदा है, ये जो धरती है वो किसके लिए, ये आने वाले पीढ़ी के लिए। अब गर्ग साहब, हम लोग तो पके आम हो रहे हैं, धीरे धीरे मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूँ, तो हम लोग कब कब तक रहेंगे? लेकिन ये जो पीढ़ी है, सामने वाली पीढ़ी, वो तो रहेगी, तो उसके लिए वातावरण हम दें, खूब तरक्की करें, हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का नाम जहाँ कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, उद्योग व्यापार के क्षेत्र में हो रहा है, हमने जो नीति बनाई, पूरे देश का, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना फैला वहाँ आर्थिक मंदी से जूझता रहा, एकमात्र छत्तीसगढ़ है जहाँ आर्थिक मंदी छू तक नहीं गया। कोई भी सेक्टर आप चले जाइए, रियल इस्टेट में सब लोग रो रहे थे, छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल में चले जाइए, जेम ज्वेलरी में चले जाइए, चाहे ऑटोमोबाइल में चले जाइए, कोई भी सेक्टर हो, वो ग्रोथ ही दिखा। सारे जितने बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं, जहाँ जिनके होलसेलरों के जब बैठक बैठके होती थी, भैया एक चीज़ बताओ, सब जगह तो बिक्री में कमी आ रही है, जितने भी हमारे शोरूम हैं, जो फैक्ट्री है, उसके शटर गिरते जा रहे हैं, फैक्ट्री के उत्पादन को आधा करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ चाहे कपड़े हो, गद्दा हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, कार हो, यहाँ लगातार आंकड़े देख लीजिए, आप लोग बताने की जरूरत नहीं, सारे आंकड़े तो आपके पास रहते हैं, मैं आंकड़े इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता मेरा उंगली पकड़ लें आप कि आपने गलत कहा, इसलिए मैं आंकड़े को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट के सामने आंकड़े बात क्या करूंगा मैं, तो ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ जितना, उसमें आप देख लीजिए, किसी भी राज्य से तुलना कर लीजिए, किसी भी सेक्टर में, उसमें आपको ग्रोथ ही मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगी। पूर्ति नहीं कर पा रहे थे ट्रैक्टर मोटरसाइकिल, किसी भी सेक्टर में चले जाए, बिजली आप देख लीजिए, बिजली से आपको पता चलेगा कि कोई भी प्रदेश जो बिजली का उत्पादन करता है वो गरीब होता है, जो राज्य बिजली खपत करता है वो राज्य समृद्ध होता है। हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन तो होता था लेकिन खपत कम थी। आज स्थिति ये है कि देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति यदि बिजली खपत कहीं है तो छत्तीसगढ़ में 2200 यूनिट प्रति व्यक्ति की खपत है, जबकि देश में 1500, और पीक आवर में 2018 के पहले पीक आवर में 4100 मेगावाट की मांग थी, हमारे कार्यकाल में पीक आवर में 5800 मेगावाट की मांग रही है, मतलब 5 साल बीतते बीतते 1700 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई, कितनी बड़ी बात। तो ये जो बिजली खपत है वो बता रहा है कि हमारे यहाँ समृद्धि आई, घर में भी बिजली का उपयोग बढ़ा है, कृषि के क्षेत्र में बढ़ा है, व्यापार में बढ़ा है, उद्योग में बढ़ा है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में कितना तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, और आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे नए पीढ़ी से मुलाकात करने का आपने अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।